अपना डिस्प्ले थे एक जोन पॉकेट मार ये सुधर हुई भालो करे देखो बाबर वायसी लोक के दिए हाथ पाटी पाच्छे अबार ये बाबा बोल छे अमी ना की चमत्कारी बाबा ये बाबा अबार हिंदू राष्ट्र बनाते ने बेचे सब ते के बड़ो देशोद्धरी होलो जे मुसलमान बोल बे भारत के इस्लामी राष्ट्र कोत्ते हबे अरे ये धरनेर बाबा हिंदू राष्ट्र कथा बोल छे देश विरोधी संविधान विरोधी ताहले तो एरा देशोद्धरी एदेर के आईनेर आवताय अवश्यई आना दरकार এখন এরা এরা ন্যাড়া হয়েছে এরা বলছে বেলতলায় যাব না কারণ ন্যাড়া বেলতলাকে ভয় পায় বেলতলায় বাবা তোমাদেরকে যেতেই হবে আইনের আওতায় আজ নয় তো কাল তোমাদেরকে অবশ্যই আসতে হবে যতই ন্যাড়া হয়ে বলো বেলতলায় যাবনি বেলতলায় তোমাদেরকে অবশ্যই আসতে হবে এই বাবা বাবা বাগেশ্বর হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে নেমেছে আর তারই ভাই আপনার ডিসপ্লেতে দেখুন অস্ত্র নিয়ে সিগারেট টানতে টানতে দলিতদের বিয়ে বাড়িতে গিয়ে ধমকাচ্ছে চমকাচ্ছে গুলি করে দিয়ে হুমকি দিচ্ছে নিজের বাড়ির খবর নেই আবার সে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে চলেছে ইংরেজরা ভারতের মানুষকে গোলাম বানিয়েছিল দেশের মানুষের ধন সম্পত্তি লুট করে নিজেদের ইচ্ছা মতো গরিব মানুষকে কাজে লাগাত আর তাদেরই বংশধর যারা হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি করছে তারা দেশের 95% মানুষকে গোলাম বানাতে চাইছে তাদের বিষয় সম্পত্তি তাদের ধন দৌলত লুট করতে চাইছে কোন হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছে না এদের আসল ব্যাপারটা কি বুঝবে চাচি বেলা হলে অবশ্যই এদের যারা ভক্ত আছে তারা কিন্তু বুঝবে দর্শক আপনাদের সকলকে আমি একটি ভিডিও দেখাতে চাই অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি দেখুন দেখাবার আগে আমি একটি সেরে কথা বলতে চাই সকলকে দেশের সংবিধানের উপরে ভরসা রাখতে হবে সংবিধান কি বলেছে আমাদেরকে সংবিধান ফলো করে চলতে হবে আর দেশের আইনকে অবশ্যই আমাদেরকে সম্মান করতে হবে আমাদেরকে দেশের আইন অবশ্যই মেনে চলতে হবে চলুন দেখুন ভিডিও নমস্কার দোস্তো ये फोटो देखिए अब ये भी देखिए ये फोटोज देखकर आपको लग रहा होगा कि भोला भाला सा दिखने वाला लड़का कितना संस्कारी है अब जरा इसी लड़के की ये फोटोज भी देखिए हाथ में कट्टा और मुंह में सिगरेट के साथ 15-16 साल का ये लड़का शादी में हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है पता है ये कौन है ये है बागेश्वर धाम के पीठाधीश हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले चमत्कारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालीमार गर्ग शालीमार गर्ग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक शादी समारोह में लोगों से हाथापाई करते हुए और दलितों को जाति सूचक शब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं उनके एक हाथ में कट्टा है और दूसरे हाथ से मुंह में सिगरेट लगा रहे हैं इस लड़के ने महिलाओं से अभद्रता और गाली गलौच भी की कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी जब बारातियों ने बागेश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया तो कट्टा दिखाकर धमकी दे रहे हैं कि राय नहीं बजेगी इस गाड़ा गांव में बजेगा तो सिर्फ बागेश्वर धाम का गाना हालांकि अब तक बागेश्वर धाम की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है ये सच में धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है या नहीं इस पर भी सवाल उठ रहे हैं लेकिन दोस्तों इन्हें सुनिए ये वही हैं जिनके घर की शादी में हंगामा हुआ था ये खुद कह रहे हैं कि शादी में जो लड़का हंगामा कर रहा था वो बागेश्वर धाम महाराज का भाई है वहाँ पे कौन आया था बागेश्वर को जो हाँ महाराज को भज्जा वहाँ पे कौन आया था बागेश्वर को जो हाँ महाराज को भज्जा दरअसल दलित परिवार की बेटी की शादी का फंक्शन था इस दलित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपनी बेटी की शादी बागेश्वर धाम में चल रहे सामूहिक विवाह समारोह में ही करवाए लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया इस बात को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई इतने नाराज हो गए कि शादी में पहुंचकर गुंडागर्दी करने लगे आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को उनके भक्त सरकार बोलते हैं और उनके छोटे भाई को छोटे सरकार कहा जाता है तमाम बड़े बड़े नेता लोग मंत्री लोग इनके सामने आकर माथा टेकते हैं लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के भाई एक दलित बेटी की शादी में इस अनोखे अंदाज में तमंचे के साथ नजर आ रहे हैं दोस्तों दलित समाज की बारात को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की खबर तो आप अक्सर सुनते होंगे लेकिन अब एक दलित अपनी बेटी की शादी कैसे करवाए किससे करवाए ये भी बाबाओं से पूछना पड़ेगा क्या धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र में दलितों की यही जगह है तो
दोस्तों धीरेंद्र शास्त्री काफी समय से बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वैसे तो इन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ, ना ही उन्हें कुछ प्रूफ करना पड़ा और ना ही उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई कमी आई। उल्टा अब तो इनके समर्थक और बढ़ गए हैं। लोग इनके दिव्य चमत्कारी दरबार में इतना यकीन रखने लगे हैं कि किडनी और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों में भी डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय लोग बागेश्वर धाम जाते हैं। हालांकि दोनों किडनी फेल होने के बाद बागेश्वर धाम में अर्जी लगने का इंतजार करते करते एक महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं कल एक 10 साल की बच्ची को मिर्गी का दौरा आने से मौत हो गई। परिवार का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री ने बच्ची को भभूत दी थी, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। इस माँ के आंसू देखिए दोस्तों, इसने अपनी 3 साल के बच्चे को बागेश्वर धाम में हमेशा के लिए खो दिया।